राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 22 से 28 अक्टूबर तक चलने वाले सिल्क एक्सपो का उद्घाटन किया। इसी दौरान सीएम योगी ने रेशम मित्र पत्रिका का विमोचन किया और 16 कृषकों, उद्यमियों, संस्थाओं व डिजाइनरों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम रत्न सम्मान प्रदान किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि रेडीमेड गारमेंट्स में दुनिया के छोटे छोटे देशों की धमक है। जिन लोगों के पास संसाधन कम और संभावनाएं न के बराबर है, वे आगे बढ़ चुके हैं। हमारे पास संभावना और संसाधन भी है। काम चाहने वाली आधी आबादी के बड़े तबके को रेशम उत्पादन, प्रोसेसिंग, रेडीमेड गारमेंट डिजाइनिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग के साथ जोड़ लें तो दुनिया में रेडीमेड गारमेंट में धमक बनाने वाले देश का स्थान उत्तर प्रदेश व भारत ले सकता है। सीएम ने कहा कि इसमें इस संभावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का लाभ लेना चाहिए। इसके आगे सीएम योगी ने कहा कि हमने रेशम उत्पादन को 84 गुना बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। एक समय वह भी आएगा जब यूपी का किसान रेशम उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में गिना जाएगा।